आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नया दिन, नई शुरुआत, नया हफ्ता, लेकिन चिंता वही जो पिछले बीते कई दिनों से हर देशवासी को परेशान कर रही है, कोरोना और ब्लैक फंगस के डबल अटैक की परेशानी। देश और दुनिया की हर अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे अगले एक घंटे में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रमुखता से इन दो खबरों के साथ। कोरोना के खतरे के बीच देश में वैक्सीन की किल्लत की समस्या है, तमाम राज्यों से वैक्सीन सेंटर बंद करने की खबरें आ रही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका पहुंच गए हैं, द्विपक्षीय बातचीत के बीच वो वैक्सीन को लेकर अमेरिकी कंपनियों से भी बात करने वाले हैं। इस बीच देश में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, अब तक 9000 मरीज सामने आ चुके हैं। इस साल के अंत तक कैसे लग पाएगा हर देशवासी को कोरोना का टीका? सरकार का यह कहना है 31 दिसंबर तक सबको टीका लग जाएगा, लेकिन राज्यों से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे कुछ और ही तस्वीर दिखाई देती है। दिल्ली जैसे महानगर में वैक्सीन की किल्लत की वजह से टीकाकरण केंद्र बंद हो गए। कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। बड़े जोर शोर से 16 जनवरी को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था, लेकिन चार महीने बीतते बीतते वैक्सीनेशन के महाअभियान के सामने महासंकट खड़ा हो गया है। वो संकट है टीके की किल्लत का। कल दिल्ली में 18 प्लस के कोवैक्सीन के कई सेंटर बंद करने पड़े। दिल्ली सरकार के मुताबिक आज कोविशील्ड वाले कई सेंटर भी बंद हो सकते हैं, क्योंकि टीके का स्टॉक बहुत थोड़ा बचा है। ये लगातार 12वां दिन है जब दिल्ली में 18 प्लस का टीकाकरण टीके की कमी का सामना कर रहा है। 45 प्लस वाली कैटेगरी के लिए अभी तक दिल्ली को कुल मिला के 45,94,250 डोजेस मिली हैं, जिसमें से 43,79,070 डोजेस यूज हो चुकी हैं और 2,15,000 के आसपास अब डोजेस हमारे पास बची हैं। इसमें कोविशील्ड का तो हमारे पास 7 दिन का वैक्सीनेशन का स्टॉक है, लेकिन आज जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कोवैक्सीन की कुल मिला के हमारे पास सिर्फ 25,000 डोजेस बची हैं, यानी तकरीबन सिर्फ 1 दिन के वैक्सीनेशन का स्टॉक कोवैक्सीन का हमारे पास पड़ा है। लेकिन वैक्सीन की किल्लत सिर्फ दिल्ली में नहीं, पटना में कई वैक्सीनेशन सेंटर बंद करने पड़े हैं, पंजाब में कई जगहों पर 45 प्लस का टीकाकरण नहीं हो रहा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी वैक्सीन कमी की खबरें आ रही हैं। वैक्सीन बनाने का लाइसेंस भी सरकार को बहुत सारी कंपनीज को देना चाहिए। 140 करोड़ आबादी का देश है, हर आदमी को वैक्सीन तभी लग पाएगी जब वैक्सीन बड़ी तादाद में बनेगी। एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर की आशंका और दूसरी तरफ टीके की कमी, सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी संकट को सुलझाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर मिशन वैक्सीन पर अमेरिका पहुंच चुके हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर वैक्सीन की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कई अमेरिकी कंपनियों से बातचीत करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि अमेरिका जून के अंत तक जरूरतमंद देशों को फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की 2 करोड़ डोज देगा। इससे पहले अमेरिका एस्ट्राजेनेका की 6 करोड़ डोज देने का भी ऐलान कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक भारत की कोशिश होगी अपने लिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन सुनिश्चित कर ले। वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीके की कमी, परेशान हाल लोग और सरकार से टीके की मांग करते तमाम राज्य, लेकिन सरकार अभी भी दावे कर रही है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में उत्पादन 50 करोड़ डोज तक चला जाएगा और 31 दिसंबर तक प्रत्येक देशवासी को टीका लग जाएगा। देश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से इस यकायक आई आपदा का प्रबंधन किया, राज्यों की सरकारों ने, देश की प्रदेश की जनता ने मिलकर के जिस तरह से इस युद्ध में सक्रिय भागीदारी निभाई, निश्चित ही हम सब कह सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनौती होते हुए भी हम इस चुनौती से अपने आप को बाहर निकलता हुआ ऐसा महसूस कर रहे हैं। हर देशवासी भी यही दुआ कर रहा है कि टीके का संकट जल्द खत्म हो, ताकि जल्द से जल्द
कोरोना के बचाव का टीका सबको लग जाए। जोधपुर से अशोक शर्मा के साथ गीता मोहन और पंकज जैन, दिल्ली आज तक।